दोस्तों गौतम गंभीर इंडियन टीम की कोच बनने की बात एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि रियान पराग, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा टीम इंडिया की फ्यूचर है। गौतम गंभीर ने कहा कि रियान पराग वो खिलाड़ी है जो खिलाड़ी 2023 तक आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पा रहा था, लगातार फेल हो रहा था, लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने वापसी की, 2026 में कोहरा मचा दिया और इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हो गया। गौतम गंभीर ने रियान पराग के बारे में यह भी कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रियान पराग हमेशा ही सुपरहिट रहा है, डोमेस्टिक में वो हमेशा ही रन बनाते आ रहे हैं, लेकिन उसी फॉर्म को रियान पराग आईपीएल में ला नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार उसी फॉर्म को आईपीएल में लाए और आईपीएल में छा गए। गौतम गंभीर ने कहा कि रियान पराग का जो खेलने का शैली है, जिस तरह से वो हिट लगाते हैं, प्रेशर को जिस तरह से झेलती है, वो टीम इंडिया की भविष्य है। आने वाला समय में रियान पराग टीम इंडिया के लिए बहुत रन बनाएगा, बहुत मैच जिताएगा। गौतम गंभीर ने कहा कि रियान पराग का उम्र सिर्फ 22 साल है, उनके पास काफ़ी टाइम है, अपने आप को बेहतर करने के लिए, एक बेहतर खिलाड़ी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि अपने आप को इस तरह से ढाले कि किसी भी पेशार के सामने वो जीत जाए। बड़े बड़े मैच में यही होता है, जो टीम जो खिलाड़ी पेशार को झेल पाते हैं वही टीम जीतता है, इसलिए पेशार झेलना बहुत जरूरी है और ये सीख लिया है रियान पराग ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 2026 की आईपीएल में खेलते हुए, क्योंकि 2026 की आईपीएल में हार मैच में राजस्थान रॉयल्स की एक ही कहानी है, क्योंकि दोनों ही ओपनर जल्दी आउट हो जाते थे, उसके बाद रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की बारी को संभालते थे और अपनी टीम को जिताते थे और तेज गति से रन भी बनाते थे। इसीलिए गौतम गंभीर ने कहा कि रियान पराग प्रेशर को झेल सकते हैं, उम्र सिर्फ 22 साल का है, लेकिन वो 30 साल की खिलाड़ी का जैसे खेल खेलते हैं, आने वाला समय में ये टीम इंडिया की फ्यूचर है। दोस्तों गौतम गंभीर की मुंह में घी शक्कर, हम यही उम्मीद करते हैं कि रियान पराग आने वाला समय में टीम इंडिया के लिए खेले और बेहतरीन बल्लेबाजी करे। दोस्तों गौतम गंभीर ने अभिषेक शर्मा के बारे में कहा कि ऑस्ट्रेलियन कप्तान के अंदर खेलना और ऑस्ट्रेलियन ओपनर के साथ ओपनिंग करना ये बहुत बड़ी बात है और ये एक्सपीरियंस किया है अभिषेक शर्मा ने टेबिस हेड के साथ, इसीलिए अभिषेक शर्मा इतना तेज तार बल्लेबाज बन पाए हैं। जिस तरह से 17-18 गेम पर 2024 की आईपीएल में अभिषेक शर्मा अर्धशतक लगा रहे थे, बिल्कुल सच कहा गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने अभिषेक शर्मा के बारे में यह भी कहा कि जिस तरह से जिन बाबू के सामने अभिषेक शर्मा ने शतक लगाए, ये टीम इंडिया की फ्यूचर है। अभिषेक शर्मा में टीम इंडिया की फ्यूचर नजर आता है, ये खिलाड़ी काफी समय टीम इंडिया के लिए खेलेगा। दोस्तों अभिषेक शर्मा अगर जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हैं टीम इंडिया के लिए T20 में, तो कोई भी गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पाएगा। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से 2024 की आईपीएल में 42 सिक्सेस लगाई है, वो छक्का लगाने में भी माहिर है और तेज भी खेलता है, इसीलिए कहा जाता है कि अभिषेक आने वाला समय में टीम इंडिया की फ्यूचर है। और दोस्तों गौतम गंभीर ने संजू सैमसन के बारे में कहा कि संजू सैमसन टीम इंडिया की फ्यूचर है और अभी भी टीम इंडिया के लिए जिस तरह से खेल रही है, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। जिन बाबू के सामने जिस तरह से 110 मीटर का छक्का लगाया संजू सैमसन ने, इससे साबित होता है कि इस खिलाड़ी में कितना पावर है। दोस्तों गौतम गंभीर ने संजू सैमसन के बारे में यह भी कहा कि टीम इंडिया में थोड़ा बहुत नजरअंदाज जरूर किया गया है संजू सैमसन को, क्योंकि उनकी टक्कर का खिलाड़ी काफी है टीम इंडिया में, काफी अच्छा अच्छा विकेट कीपर है, जैसे ईशान किशन, ऋषभ पंत, ये खिलाड़ी भी संजू सैमसन की बराबरी पर है, इसीलिए थोड़ा कम मौका मिला है संजू सैमसन को, लेकिन संजू सैमसन में टैलेंट कूट कूट के भरा है, ये हमने इंटरनेशनल में देखा, आईपीएल में देखा, इसलिए संजू सैमसन भी टीम इंडिया की फ्यूचर है। दोस्तों गौतम गंभीर ने रियान पराग, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बारे में जिस तरह से कहा, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, ये तीनों खिलाड़ी टीम इंडिया की फ्यूचर है, आप देखते रहिए आने वाला समय में ये तीनों खिलाड़ी टीम इंडिया में कोहरा मचाएगा। अभिषेक शर्मा ओपनिंग में कोहरा मचाएगा क्योंकि ये एक तेज तार धुआंधार ओपनर है। रियान पराग मेडल ऑर्डर में कोहरा मचाएगा क्योंकि रियान पराग मेडल ऑर्डर की 4 नंबर की बल्लेबाज है,
पिछले कुछ मैचों में आईपीएल में डोमेस्टिक में चार नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए और आने वाला समय में भी रियान पराग काफी सारी रिकॉर्ड बनाने वाला है दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। और संजू सैमसन एक बेहतरीन खिलाड़ी है, संजू सैमसन अलग दर्जे की खिलाड़ी है। 2026 की T20 विश्व कप में खेलने का मौका नहीं मिला संजू सैमसन को, लेकिन संजू सैमसन ऋषभ पंत से किसी भी एंगल से कम नहीं। संजू सैमसन ने जितना लंबा लंबा सिक्सेस लगाए आईपीएल में, उनकी काबिलियत वहां पर साबित हो गया है। संजू सैमसन की विकेट कीपिंग कहे, संजू सैमसन की फील्डिंग कहे, संजू सैमसन की बैटिंग कहे, हर जगह संजू सैमसन परफेक्ट खिलाड़ी है और आने वाला समय में संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए लगातार खेलेगा, बहुत सारे मैच खेलेगा। संजू सैमसन टीम इंडिया की फ्यूचर है। ऑल ओवर दोस्तों, रियान पराग, अभिषेक शर्मा या फिर संजू सैमसन, तीनों ही खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी है जिनमें टैलेंट कूट कूट के भरा है, किसी एक खिलाड़ी एक दूसरे खिलाड़ी से कम नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है कि ये तीनों खिलाड़ी टीम इंडिया की भविष्य है, आने वाला समय में ये खिलाड़ी टीम इंडिया को जिताएगा, टीम इंडिया की दिग्गज बनेगा, टीम इंडिया की सुपरस्टार बनेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।